शहनाज गिल की बिग बॉस 13 की जर्नी काफी शानदार रही और उस दौरान दर्शकों से और सेलिब्रिटीज से भी उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिला। और अब आपको बता दें कि घर से बाहर आने के बाद भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इसी बीच में टोनी कक्कर, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने शहनाज गिल को अपने गाने गोवा बीच के लिए शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गोवा बीच गाने में टोनी कक्कर और नेहा कक्कर ने अपनी खूबसूरत आवाज से चार चांद लगा दी। तो वही इस गाने में फीचर किया गया आदित्य नारायण। और आपको बता दें कि इस गाने को प्रमोट करने के लिए और इस गाने के फेमस होने के बाद टोनी कक्कर ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद शहनाज गिल के फैंस ने नीचे कमेंट सेशन में तो भरमार ही कर दी कि आपको इस गाने के लिए शहनाज गिल को शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपके साथ वीडियो बनाया एंड उनकी वजह से मोस्टली लोगों ने इस गाने को देखा भी। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस गाने के आने के बाद शहनाज गिल ने टिकटॉक पर भी काफी वीडियोस बनाए, टोनी कक्कर के साथ वीडियो बनाए और बहुत सारे उनके वीडियोस आए थे इस गाने पर। और इस वजह से उन्होंने कहा कि आपको उन्हें थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। और फिर क्या था, टोनी कक्कर ने शहनाज गिल के फैंस की बात सुनी और उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने शहनाज गिल को क्यूट और अडोरेबल बताया और अपने गाने गोवा बीच की सफलता के लिए शहनाज गिल को शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि टोनी कक्कर शहनाज गिल के साथ कोई नया म्यूजिक वीडियो प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हमें ये दोनों साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा टोनी कक्कर का मायरा शर्मा के साथ भी काम करने का प्लान है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।